माइक्रोबिट में फिटबिट टाइप का एक स्टेप काउंटर बनाना सीखते हैं जो आप यूज़ भी कर सकते हो। माइक्रोबिट में एक एक्सेलेरोमीटर सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पर ये एक एक्सेलेरोमीटर सेंसर है जो कि अगर माइक्रोबिट में कोई भी मूवमेंट होता है एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जी एक्सिस में तो माइक्रोबिट का ये जो सेंसर है वो उस मोशन को डिटेक्ट कर पाता है। हम मेक कोड में एक्सेलेरोमीटर सेंसर से जो भी इनपुट्स आ रही हैं उसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम इनपुट में जाके यहाँ पर ये एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन हमें तीनों एक्सिस पर दिख रही है एक्स वाई और जी पर, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं बेसिक में जाके शो नंबर का ब्लॉक लाके कह रहा हूँ कि मुझे एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस जो है वो दिखाओ, अगर मैं अपना माइक्रोबिट एक्स एक्सिस पे टिल्ट करता हूँ तो जो हमारी वैल्यू है वो बदल रही है। और आप यहाँ देख सकते हो कि ये बता रहा है कि ए ऑफ एक्स जो है ये 1023 से लेके -1023 तक इसकी वैल्यू बदलती है। और अगर मैं वाई एक्सिस में टिल्ट कर रहा हूँ तो चेंज बहुत कम है क्योंकि थोड़ा सा एक्स एक्सिस में भी टिल्ट हो रहा है मुझसे। पर अगर मैं वाई वैल्यू की एक्सिस पढ़ना चाहता हूँ तब मैं इसको यहाँ वाई चेंज कर सकता हूँ। और फिर हम सिमुलेटर में देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में अब उतनी जो है चेंज नहीं आ रहा है, पर अगर मैं वाई एक्सिस में टिल्ट कर रहा हूँ अपने माइक्रोबिट को तो अगेन जो वैल्यूज़ हैं वो 1023 से -1023 तक जाती हैं। एंड लाइकवाइज हम जी एक्सिस पे भी कर सकते हैं। तो जी एक्सिस पर यानी कि हम अगर माइक्रोबिट को उठाते ऊपर तो जो वो जी एक्सिस है उसमें भी हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं, उसकी रीडिंग जो है सेंसर नाप सकता है। तो हम ये जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर है हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक फिटबिट टाइप का सिंपल सा स्टेप काउंटर बनाने के लिए। तो हम फिटबिट वाला स्टेप काउंटर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम वेरिएबल्स में जाके एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ स्टेप्स इस वेरिएबल का नाम है। जब हम शुरू कर रहे हैं तब मैं कह रहा हूँ कि बेसिक में जाके मैं यहाँ से ऑन स्टार्ट का ब्लॉक ला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ऑन स्टार्ट सेट दिस वेरिएबल कॉल्ड नंबर ऑफ स्टेप्स टू 0। और फिर हमारा जो प्रोग्राम है बहुत सिंपल है, हम कह रहे हैं कि जब भी हमारा ये माइक्रोबिट जो है ये शेक होगा और ये शेक में भी और यहाँ पे काफ़ी सारे और ऑप्शन मिलते हैं, स्पेशली ये जो 3G है हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी मैं केवल सिंपल ऑन शेक कह रहा हूँ। तो हम कह रहे हैं कि ऑन शेक और वेरिएबल में जाके हम कह रहे हैं कि चेंज दिस वेरिएबल कॉल्ड नंबर ऑफ स्टेप्स बाय 1। तो हम अभी तक प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं कि जब शुरू होगा तो नंबर ऑफ स्टेप्स नाम की वेरिएबल की वैल्यू 0 सेट कर देना और जितनी बार शेक होगा माइक्रोबिट उतनी बार इस वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट कर देना। और फिर हम जो भी इस नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू है हम वो पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बेसिक में जाके यहाँ कह रहा हूँ शो नंबर और वेरिएबल्स में जाके मैं ये वेरिएबल लेके आ रहा हूँ। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है कि जब भी शेक होगा नंबर ऑफ स्टेप्स को 1 से इंक्रीमेंट करना और हमें दिखा देना कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए हैं। तो अब अगर मैं यहाँ जाके शेक करता हूँ तो जितनी बार मैं माइक्रोबिट को शेक कर रहा हूँ उतनी बार ये सिमुलेटर में ये बटन दबाना पड़ता है, पर अदरवाइज़ ये जैसे ही शेक होगा वैसे ही इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जितनी बार ये माइक्रोबिट शेक होगा उतनी बार ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब अगर हम माइक्रोबिट में इसको ट्रांसफ़र करके माइक्रोबिट को अपने फॉर एग्जांपल पैर में लगा लेते हैं तो जितनी बार हम स्टेप लेंगे उतनी बार माइक्रोबिट शेक डिटेक्ट करेगा एक्सेलेरोमीटर सेंसर से और इस स्टेप काउंटर को 1 से बढ़ा देगा। जैसे आपके फिटबिट में होता है कि आप चैलेंज रखते हैं कि यू नो डेली हमें 10,000 स्टेप्स करने हैं, तो आप माइक्रोबिट से भी उसको नाप सकते हो। इस प्रोग्राम में हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती हैं यू नो इन 3 digits चली जाएंगी तो बार बार माइक्रोबिट रिफ्रेश हो रहा होगा। तो इसको हम अगर देखना चाहते हैं कि वैल्यू हमें ठीक ठीक से दिखे
तो हम यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग ब्लॉक और ऐड कर सकते हैं। तो मैं एलईडी में जाके मोर में जाके यहाँ ये स्टॉप एनिमेशन ला रहा हूँ। तो हम कह रहे हैं कि अब जितनी बार इंक्रीमेंट होगा केवल जब फाइनल हमें वैल्यू दिखानी होगी वो दिखा देना। तो अब जब हम सिंगल डिजिट में हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब हम डबल डिजिट्स एंड ट्रिपल डिजिट्स में चले जाएंगे तब जितनी बार ये शेक होगा उसके बाद हमारे को वो फाइनल वैल्यू जो है वो दिखा देगा कि अभी हमने 34 स्टेप्स लिए हैं। तो अब मैं इसको इस प्रोग्राम को अपने माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र हो गया है, और अब मैं जितनी बार अपना माइक्रोबिट शेक करता हूँ ये स्टेप काउंटर जो है ये एक से इंक्रीमेंट बताता है। तो हम अगर इस माइक्रोबिट को एक 3 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, अभी तो मैंने इसको यूएसबी से अपने लैपटॉप से जोड़ा हुआ है, पर अगर हम इसको इसकी अपनी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो ये एक पोर्टेबल डिवाइस की तरह बन जाएगा जिसको हम फिर अपने पैर में लगा के नाप सकते हैं कि हमने कितने स्टेप्स लिए। हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि उसको थोड़ा इंटरैक्टिव बना दें कि जब यूज़र जानना चाहे कि कितने उसने स्टेप्स लिए थे तो हम थोड़ा उसको फीडबैक दे पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा फाइनल नंबर ऑफ स्टेप्स का जो वेरिएबल का जो भी फाइनल काउंट होगा उसके हिसाब से हम यूज़र को फीडबैक दे सकते हैं। और यूज़र फीडबैक कैसे लेगा कि वो इधर बटन ए या बटन बी प्रेस करके फीडबैक ले सकता है। तो इसके लिए मैं इनपुट पे जाके कह रहा हूँ कि व्हेन बटन ए इज़ प्रेस्ड, और हम क्या कंपेयर करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू के हिसाब से हम फीडबैक देना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं फिर लॉजिक में जाके ये एक इफ़ देन एल्स का यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट ला रहा हूँ, और हम यहाँ पर बेसिकली नंबर ऑफ़ स्टेप्स की वैल्यू चेक करना चाहते हैं। तो मैं फिर से लॉजिक में जाके नीचे एक कंपैरिजन का ला रहा हूँ कि और वेरिएबल्स में जाके मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ़ स्टेप्स। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि इफ़ नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो लेट्स से ग्रेटर देन, अभी टेस्ट करने के लिए हम लो सा स्कोर रख देते हैं, सो ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ पर मान लो आप चैलेंज रखना चाहते थे कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन द डे शुड बी मोर देन लेट्स से 5000, तो इसकी वैल्यू तो अब यहाँ 5000 हो जाएगी। तो अभी हम टेस्ट करने के लिए लो वैल्यू डाल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ़ स्टेप्स आर ग्रेटर देन 5 तो हम यूज़र को कोई फीडबैक देना चाहते हैं। तो हम मे बी सिंपल सा कोई फीडबैक दे देते हैं कि एक इनकरेजिंग कोई आइकॉन दिखा देते हैं, तो मे बी जस्ट अ सिंपल स्माइली कि अगर टारगेट से ज़्यादा स्टेप्स लिए तो स्माइली है, और अगर टारगेट से कम लिए कि जितने भी हमारा टारगेट था 5 या 5000 अगर उससे कम लिए तो फिर हम मे बी ये फेस दिखा देते हैं। और हम थोड़ा सा और अपना फीडबैक इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर म्यूज़िक भी डाल सकते हैं। तो वर्जन 2 में बिसाइड्स ये वर्जन 1 में भी ये सारा म्यूज़िक अवेलेबल था, तो आपके पास अगर वर्जन 1 है माइक्रोबिट का वर्जन 1 है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपके पास वर्जन 2 है तो उसमें कुछ नई साउंड्स हैं, सो वी कैन ट्राई दो साउंड्स। तो मैं यहाँ से ये प्ले साउंड गीगल ला रहा हूँ, और हम यहाँ ड्रॉप डाउन में कुछ और सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ कहता हूँ प्ले साउंड स्प्रिंग, कि अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो हम कह रहे हैं कि स्प्रिंग साउंड प्ले करना और ये स्माइली आइकॉन दिखाना। और मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ कह रहा हूँ कि एल्स अगर टारगेट मीट नहीं हुआ यूज़र का तो कोई और साउंड बजाना, लेट्स से सैड साउंड बजाना और आइकॉन जो है ये वाली दिखाना। तो हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि अगर यूज़र ने 2-3 स्टेप्स ही लिए हैं यानी कि लेस देन 5 हैं और वो फीडबैक सीक करता है तो उसको ये सैड साउंड और ये जो भी ये आइकॉन है ये वाली आइकॉन मिल जाती है। और अगर नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो 5 से ज़्यादा हो जाते हैं यानी टारगेट से ज़्यादा हो जाते हैं और तब यूज़र फीडबैक सीक करता है तो उसको एक पॉजिटिव साउंड और एक स्माइली फेस मिल जाता है। सो ये केवल एक तरीका है प्रोग्राम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने का। और अगर अब मैं ये सारा प्रोग्राम नॉट ओनली माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अगर मैं माइक्रोबिट को जैसे मैंने पहले कहा था कि बैटरी सप्लाई से जोड़ के
फिर इसको अपने पैर में लगा के चलता हूँ, तो ये एक्चुअली एक प्रॉपर स्टेप काउंटर, फिटबिट की तरह एक स्टेप काउंटर बन जाता है। आई होप आपको ये प्रोग्राम पसंद आया और आप माइक्रोबिट का स्टेप काउंटर बना के उसको यूज़ करते हुए अपनी फिटनेस का ख्याल रखोगे।